मैंने बनाया, इसलिए कभी इसके साथ मोहब्बत नहीं करना। इस दुनिया के बहकावे में कभी नहीं आना, इस दुनिया को कभी गले नहीं लगाना, इस दुनिया से कभी जी नहीं भरना। आका क्यों मेरे नबी अलैहि सलातु व सलाम, क्यों मेरे नबी अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, अलो जलदा अल्लाह इन दुनिया, ये जो दुनिया है मलून, ये मलून है, इस मरदूद इस नापाक इस नौजवाना है, मेरे अका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। इस हदीस को हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया है और ये हदीस इमाम इब्न माजा अस-सुनन किताब उस-सुहत में नकल फरमाते हैं। फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, इन दुनिया, ये जो दुनिया है मलऊन, क्या है मलऊन है, नापाक है, रहमत से दूर है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है वो मलऊन मलऊन माफी हा कैसा यह दुनिया मनसु किचु सॉरी मलऊन किचु सॉरी नापाक सलातु वसलाम फरमान इल्ला تیم یم خدای ذکر چکرا دنیا من چوری نا باد ملعون لیکن سوای تیم یم کیا چکرا ذکر ترویو کینس اللہ زاج با کے حضرت اللہ توی آوان نبی علیہ السلام او تلو ما اوہی الیک من الکتاب ایمان نبی علیہ السلام किताब से कुन वही फरमाओ दारण फरमो दुनिया मन चु सोरी ना पाक्त मलहूर मगर सिवाय तिम इम क्या सत तलावल इम क्या सत जो जिक्र में होंगे वो कभी ना पाक नहीं होते, जिक्र वही करते हैं जो पाक होते हैं। वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैही तब्दीला, अल्लाह ताला फरमावन जिक्र इस तरह किया करो कि फिर इस जिक्र में किसी दूसरे का ख्याल ना हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो सा दुनिया में सोरी मलो ना पाक मगर सिवाय इन जिक्र करन वाला सब व आलम बेचन दुनिया से नापाक काम आलिम आलिमे रब्बानी काम, यहाँ सब आलिम मुराद नहीं है, वही आलिम मुराद है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी किया करते हो, बेशक सुभान अल्लाह वो आलिम मुराद है, वो आलिम प्रमुख बेचन किम नापाक किम क्या हसन आलिम आसन बेकम प्रमुख अव मुतअल्लिम बयान करते हैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे शाना पकड़ा और इरशाद फरमाया, बेशक सुभान अल्लाह ताइदार रब्बान शान मुबारक फरमाओ तुलस्कुन फिक दुनिया अरे दानी यार इस दुनिया ची यत्मज रोज अन्याय का अन्न का गरीब अव आबिर सबील तुमने इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम एक गरीब हो मुसाफिर, बेशक बेशक ऐसी जिंदगी बसर करो कि हम गरीब है मुसाफिर है, इस दुनिया में हम क्या है मुसाफिर आए हैं, पता नहीं मौत का फिरिश्ता कब आएगा, दरवाजा खटखटाएगा भयगा कुमार साहब उठो अब तेरी बारी खत्म हो गई, अब निकलने की बारी है, अब उस घर की तरफ तुझे लौटना है जिस घर को मेरे अल्लाह ने फरमाया है, जिस घर को मेरे रब ने फरमाया है, फरमाया वही बेहतर घर है मगर किन के लिए, तकवा वालों के लिए, परहेजगारों के लिए, अल्लाह का खौफ रखने वालों के लिए। अब ये लोग कौन है, ये भी एक मसला है ना, ये लोग कौन है जिनके बारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, कुरान मजीद खोलो अल्लाह की किताब खोलो रब्बे कायनात फरमावन इन्नमल मुमिनून अल्लदीन
मदीना इदा बुकिर अल्लाह वजिलत कुलूबुहु रब दबन मुमिन चितिमाई तकवा भर चितिमाई तकवा शार चितिमाई इमन ब्रोड कन अल्लाह ताला सुन जिक्र चुयवन करन रब सुन जिक्र चुयवन करन और उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये सब बातें आपको कुरान मुकद्दस से मिलेगी, सब बातें। इसलिए कुरान का मुताला करो, कुरान का मुताला करो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं।